अलग अलग अब अपने समुदाय में इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ से स्नान करने चलते हैं। पहले नागा साधु तमोगुण उपासक पहुँच गए, अरकी पैड़ी पर पहुँच गए, सारे खड़े हो गए। पीछे से वैष्णो श्री सतोगुण के विष्णु के उपासक आ गए, उन्होंने नागाओं से कहा कि नागाओं तुम बाद में स्नान करना, हम श्रेष्ठ हैं, सबसे पहले हम स्नान करेंगे। नागाओं ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते, हम नी इच्छा हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब सतोगुण के उपासक विष्णु के उपासकों ने कहा कि ए सरड फरडो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते हो, सरड फरड, तुम बाहर मरो, पहले हम नहाएंगे आकर के, बाद में स्नान करना। अब वो नागा भी तो एकदम वो भी बैक हो गए और लठम लट्ठा मुक्का मुक्का बुड़के भरे एक दूसरे के, जो कर पशु खाया करे, गधे गधे के काट नाड़ने काटे करे, और तलवार निकाल ली, तीर मारे, कटारी घोंप दें एक दूसरे के, 25,000 वो त्रिगुण उपासक, ओए होए होए, ये 25,000 वहाँ आपस में कटके मर गए। राक्षस दूषित कर्म, ओए होए, राक्षस कहते काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं। अब तीर तलवार कटार कटारी यानी छुर्रा गोपा एक दूसरे में, और अरकी पैड़ी कहे भगवान तो डरे भी कोई ना, भगवान में प्यार भी ना होया उनका, अगर वो अरकी पैड़ी थी और भगवान का आगे लठ बजावे, यो भी नकली काम है। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं। तेग माने तलवार, काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साधक आवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब इन तीनों गुणों को गीता जी में कहा कि तीनों गुणों के उपासकों को, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासकों को, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है, और यही परमात्मा कहा करते थे। अपनात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 तक आपने पढ़ लिए। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि 16वें और 17वें और 18वें श्लोक में कि मेरी साधना करने वाले 4 प्रकार के, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ तो होते हैं जो अपना संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करते हैं, वो केवल वहीं तक सीमित हैं। किसी का जंतर मंत्र कर दिया, किसी का घायल घोल दी, इस तरह के वो करते हैं। और अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए गणे दही बनन की खातिर वेदों के मंत्रों से ही वो अनुष्ठान करते हैं, किसी और ग्रंथ से वो सहयोग नहीं लेते, वो भी ब्रह्म उपासक हैं। और तीसरे जिज्ञासु, घर से निकलते हैं परमात्मा पाने के लिए और फिर जैसा भी किसी संत ऋषियों से ज्ञान ग्रहण किया, फिर वो वक्ता बन जाते हैं, वह जिज्ञासु, वो भी यूजलेस बताए तीनों के तीनों, आरत, अर्थार्थी और जिज्ञासु। और चौथे जो ज्ञानी हैं, कहते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज्ञानी वो होता है, उनको पता लग जाता है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मानुष जन्म पाकर भक्ति करनी चाहिए। उनको ये भी निष्कर्ष हो जाता है कि केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए, आन देव की पूजा नहीं करनी चाहिए, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब ये ब्रह्म कहता है गीता ज्ञानदाता कि वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूं, लेकिन
उनको पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत ना मिलने से, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ना होने से, वो आप पर निष्कर्ष निकाल लेते। जैसे आपने अभी देवी का ज्ञान सुना, ब्रह्मा का सुना, नारद और व्यास का सुना, विष्णु का सुना, वो आप पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। महिमा तो गाते हैं परम अक्षर ब्रह्म की और नाम जाप करते हैं, ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान के ओम का जाप करते हैं। अब यहाँ ये काल कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक दो चौथे प्रकार की है, पर ये मेरे वाली अनुतमाम यानी घटिया व्यर्थ साधना में ही लीन रहे, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अपने आत्माओं उत्तम माने क्या होता है? श्रेष्ठ। आप चौथी कक्षा के बालक ने पूछ लिया उत्तम माने क्या होता है? श्रेष्ठ। और अनुतम जो श्रेष्ठ ना हो, व्यर्थ घटिया। अब गीता अनुवादकर्ताओं ने के कर रखा है, देखो सातवां अध्याय, अब हमने 15 तक पढ़ लिया, 16 में है कि ये भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त जन मुझको बजते हैं, ये ब्रह्म साधना ये करते हैं। 17 में कहा है कि उनमें नित मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमा भक्ति ज्ञानी भक्त, ये ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं और अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। अब 18 में क्या कहा है? उद्धारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा एव मे मतम, मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार अच्छी आत्मा है। आस्तित से ही युक्त आत्मा, वो मेरे में ही लीन आत्माएं मुझ भई आश्रित हैं, माम एवं अनुतमाम गतिम, मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित हैं, क्योंकि उनको ये है तो उद्धार, लेकिन आस्तित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, मेरे वाली घटिया गति में ही ये आश्रित हैं। ये सभी उद्धार हैं, ये थोड़ा घुमा रखा है इन्होंने, ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, ये सभी ज्ञानी आत्मा सभी हैं तो उद्धार, और ये मेरा मत है, परंतु ये आश्रित हैं माम माने मेरे वाली युक्त आत्मा, ये सभी लीन आत्मा जो है मेरे वाली मेरे में आश्रित हैं, जो अनुतमाम गति है मेरी उसमें। अब इन्होंने क्या किया है, ये सभी उद्धार है परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, नहीं ये उद्धार आत्मा है ऐसा मेरा मत है, गीता ज्ञानदाता कहता है, क्योंकि यह मत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त। अब देखो अनुतमाम माने अति उत्तम कर दिया, ऐ तेरा गजब, अनुतमाम अनुतम कति घटिया अनुतमाम अति व्यर्थ गति रूप मुझ में गति माने मेरे वाली गति में ही आश्रित हैं अच्छी तरह स्थित हैं अपने आत्माओं। अब यहाँ कति इन्होंने अनर्थ कर दिया, क्योंकि ये श्री कृष्ण तो ऊपर किससे नहीं माने थे, और इन्होंने मान रखा कि श्री कृष्ण ने ज्ञान कथा और श्री कृष्ण ही सुप्रीम पावर है, जबकि गीता ज्ञानदाता 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, ये तो नाशवान है अविनाशी नहीं है। इसलिए 18 अध्याय के 62 श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। लेकिन ये ज्ञानहीन लोग यहीं तक सीमित रखे। आगे फिर इसमें 7 अध्याय के 19 श्लोक में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम पर्वते। अब योगीता ज्ञानदाता कहता बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा कोई मेरी भक्ति करता ना तो
ब्रह्मा विष्णु महेश और भैरव भूत तक सीमित रह जाते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम वही सर्वसृष्टि रचना है। वासुदेव, वासुदेव माने जो ओवरऑल कंट्रोलर है, जो सबका मालिक, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, श्री कृष्ण वासुदेव वेदों में नाम है उस परम पिता पूर्ण परमात्मा का। वासु माने जो सबके ऊपर वास करता है, सबका कुल का मालिक है, सबके ऊपर सर्वशक्तिमान है, सर्वगतम ब्रह्म जिसको बोलते हैं। और वेदों से ही वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिता का नाम ब्राह्मण धर रखा, जैसे कृष्ण नाम धर लेते हैं हम श्री कृष्ण की भाई सुनकर, लेकिन वो वर्तमान का श्री कृष्ण वो कृष्ण नहीं है। तो ऐसे ही वो वासुदेव जो श्री कृष्ण जी के पिता थे, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था। श्री कृष्ण विष्णु अवतार थे, विष्णु जी केवल इन तीन लोक में, एक ब्रह्मांड में पृथ्वी स्वर्ग और पाताल लोक में एक विभाग के मंत्री हैं, ये वासुदेव नहीं है। इनके ऊपर इनकी प्रभुता है, इनके पिता 21 ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये वासुदेव नहीं है। और जिसको ब्रह्म बोलते हैं, और परब्रह्म ये सात संग ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक यानी वासुदेव नहीं है। ये परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जो है ओवरऑल कंट्रोलर, ये वासुदेव है, यही पूजा के योग्य है, यही पाप नाशक है, यही मोक्षदायक है, ये हमारे कर्म के रेख को चेंज कर सकता है, ये हमारी आयु बढ़ा सकता है। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहु नाम जन्माना मनते, सातवें अध्याय के 19वें मंत्र में, बहु नाम जन्माना अंते ज्ञानवान, ये ज्ञानी आत्मा माम पर पदते, मेरी पूजा करते हैं, नहीं तो भैरव भूता में ब्रह्मा विष्णु में इस तक सीमित है सभी। और फिर कहते हैं वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि नहीं, वासुदेव वो कुल मालिक, वही सब पूजा के योग्य है, वही सब कुछ है, वही इष्ट रूप में पूज्य है, वही पाप नाशक है, उसी की पूजा करनी चाहिए, ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक पंजाब का जिज्ञासु गरीबदास जी के पास गए थे। गरीबदास जी महाराज जो परमात्मा से परिचित, कबीर जी की महिमा से परिचित थे, उनका साक्षात्कार कर चुके थे, सचखंड देख चुके थे। तो उसका नाम था झुमकरा राम राय, उर्फ नाम झुमकरा था, वैसे राम राय थे, पंजाब के सरदार थे, लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। उनको पता चला कि एक संत है, उसकी बहुत अच्छी अमृतवाणी उन्होंने लिखी है, वहाँ आगे। तब गरीबदास साहब ने उनको ज्ञान सुनाया, तब उस राम राय झुमकरा ने कहा था, प्रभु ऐसा ज्ञान आज तक हमने कहीं नहीं सुना, और ये ज्ञान किसी ने नहीं बताया। तब उस गरीबदास साहब ने कहा था उसको, तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा, कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। गरीबदास जी ने कहा था कि करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान का बताने वाला नहीं मिलेगा, करोड़ संतों में, मार्गदर्शकों में, अरबों में कोई गर्क, अरबों में यानी गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी उसका ज्ञान भी पूरा हो, उसको आदेश हो नाम देने का, उसके पास वो पूरी भक्ति विधि हो, ऐसा तो कहा अरबों में कोई मिलेगा गर्क संत परमात्मा के से परिचित। और वही बात गीता अध्याय नंबर 7 मंत्र श्लोक 19 में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। अपने आत्माओं 20 21 22 23 में फिर इन तीनों गुणों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को क्लियर किया है कि ये नहीं करनी चाहिए। देखिएगा अध्याय नंबर 7 का फिर 20 21 22 23 20 में कहा है, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये 15 से फिर शुरू हो जाता है, ये देखिएगा ये 15वें श्लोक से फिर प्रारंभ हो जाता है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि सीमित है, इससे आगे नहीं चलते, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं बचते। अब इसी से लिंक है आगे 7वें अध्याय का, ये 20वां श्लोक है,
उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान रह जा चुका है, वे अपने स्वभाव से प्रेरित होकर